ਸੱਜਣਾ देखो खाला, मैं तेरे को एक बात बताऊं, कोई मरवाने वाला प्लान मत बनाना। और तेरी जो मैडम है ना, उसने तो हो जाना साइड पे, वो फंस जाएंगे हम दोनों। अरे भाई, गांव बसानी चोर पहले ही आ गए। तू मेरी बात गौर से सुनता है कि नहीं? देख, अच्छी तरह से ना नजर रखी हुई मैंने, सब पता चल गया मुझे। ये जो बड़ी वाली है ना, ये दिखती सीधी है नहीं, बहुत तेज चीज है, लेकिन अपने बाप के नाम पे सब कुछ कर सकती है। और जो छोटी वाली है, तौबा तौबा, ऐसी तीली है कि मत पूछो। उसने तो अपने लिए नौंडा भी देख रखा है। अच्छा है वैसे, दोनों शादी वादी करके ना इस घर से दफा होंगी, मुझे सुकून होगा। जी, कोई काम था आपको, मुझे बुला लिया होता? नहीं, बस मैंने तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो सोचा तुमसे मिल लूं। तुम तक सोई नहीं, तो अपनी तरफ से इतने लापरवाह क्यों होते जा रहे हो? ना वक्त पे सोते हो, ना खाते हो। अब तुम इतने छोटे बच्चे रहे तो नहीं कि मैं तुम्हें समझाने बैठ जाऊं? तुम ना समझाए, वैसे भी मैं वही कर रहा हूं जो आप चाहती हैं। लेकिन तुम दिल से खुश नहीं हो, इसीलिए तो अपसेट हूं मैं। मैं खुश हूं यार, खुश हूं मैं। आप प्लीज जाके सो जाएं, मुझे भी सोने दें। तुम्हारे डैड बता रहे थे कि तुम ममना से मिले थे? जी मिला था। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। हाँ, ये बच्चे की बदनसीबी है, बगैर माँ बाप के पल जाए तो बात है। अम्मा आप प्लीज जाके सो जाइए, मोमिना ने कुछ नहीं कहना आपके बारे में ना मेरे बारे में। नींद आ रही है मुझे भी। सजना पता। हेलो, मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो मुझे इंतजार क्यों करवा रही हो? कहीं मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताकर गलती तो नहीं कर दी? अरे बहन, आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं, हाथों में सरसों जमाने की बातें कर रही हैं। मुझे भी बहुत सारी चीजें देख के ही काम करना पड़ेगा ना। अब देखो, मेरे भी घर की इज्जत है, कल कला को कोई बात खुल गई तो मैं क्या जवाब दूंगी दूसरों को? और देखो बहन, कच्चा काम करने की ना आदत नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, ये कच्चा पक्का काम करके शाम तक मुझे बता। आए है बहन, इतनी भी जल्दी क्या हो गई? देखो, जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं देखभाल के कर दूंगी ना। बताती हूँ तुम्हें, शाम तक कुछ ना कुछ करके हो जाएगा काम। कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, किसकी इजाजत से आए हो अंदर? निकलो बाहर, अभी इसी वक्त निकलो और अपनी खाला को साथ लेकर जाओ। कैसे आए हो तुम? समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्ते का पैगाम भेजने की? बोलो, हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी? ये हिम्मत तो तुम्हारी मोहब्बत ने दी है मुझे, हैं? जब से तुम्हें देखा है ना, तुम्हारी यादों में गुम रहता हूँ मैं। ये तो खुशनसीबी है तुम्हारी कि तुम्हारे लिए इज्जत से रिश्ता भिजवाया मैंने। तुम्हारे पुराने आशिक की तरह नहीं हूं, पहले सारे मजे लूं और फिर शादी से इनकारी कर दूं।
तुम्हारी इस घटिया सोच और बकवास का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अभी इसी वक्त निकलो और पलट कर वापस मत आना, समझे तुम? निकलो वरना अच्छा नहीं होगा, निकलो। क्या जहालत है ये है? क्या किया तुमने? पागल तो नहीं हो गई है? इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा तुझे? तेरे तो दिमाग ही जमीन पे नहीं आ रहे। आप होश में हैं? क्या हो गया है आपको? मेरे बाबा ने आपको कितनी इज्जत दी, इस बच्चे की माँ बन के आई थी आप इस घर में, मगर आपके अंदर की औरत का ये खौफनाक रूप मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मत सोचो, अरे भाई से बहुत प्यार करती हो ना तुम, इसकी जिंदगी चाहती हो ना तो चुपचाप मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओ, वरना क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। मैं बात करती हूँ, बच्चे को बीच में मत ले करा। हाला अब तो ये बच्चा बीच में आ गया है, इज्जत से इसका हाथ मारा था ना मैंने, लेकिन इसको इज्जत राज है। इसको छोड़ो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इसको मैं बताऊंगा कि बेइज्जती का जवाब दिया कैसे जाता है। मैंने तुम्हें कहा ना सम्मी को छोड़ो वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खाला समझा लो इसको, शादी के लिए तैयार हो जाए। रोज बुलाया मैंने अपना काजी को लेके आ रहा है, ये निकाह आज ही होगा, इसी वक्त होगा, वरना इसका मैं वो हाल करूंगा कि ये किसी और से निकाह के लिए काबिल नहीं रहेगी। कहते हैं किसको है ये, इसे मैं आज बताऊंगा। समी, समी, अरे रुक जा, समी, रुक जा, छोड़ा, वो तुझे मार देगा, मार देगा, मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही मुझे, समझ, छोड़ो, वो तेरे भाई को मार देगा उसका बैग यहाँ पे, खबरदार जो अब उठे। समी, रे, बैठ जा। अब लेना फिर देखना, खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के बैठ जा, ले पानी, पानी भी, चल पी पानी। पागल हो गई है? सजा अपने पास क्या? सलमान आप ऐसा करें कि अबरार हसन मर्डर केस की जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप इन्हें दिखाएं, और हाँ इन्हें आप पानी वगैरह भी जब तक पिलाएं, मैं अभी आता हूँ वापस, ठीक है? प्लीज वेलकम। फराज मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो अभी तुम एक बहुत मुश्किल काम करने जा रहे हो, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देखना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे बाबा के लिए तो कर रहे हैं। एक बेकसूर इंसान का कत्ल कर दिया किसी, उसके कातिल को तो सजा मिलनी ही चाहिए। फराज बाबा मुझे माफ तो कर देंगे ना? ट्रस्ट, आ
समझ नहीं आ रहा कि तुझे कैसे समझाऊं। चल तू ही बता दे क्या करूं। जायदाद चाहिए ना, ये घर, मेरी अम्मी का कमरा, मेरी अम्मी की ज्वेलरी, सब आप लेंगे, सब कुछ आपका। मुझे मेरा समय दे दे प्लीज। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा भाई दे दे, मैं उसको यहां से लेके बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरा समय दे दे। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ तेरा है, तेरे अब्बा का है? तेरा अब्बा मर गया, वैसे भी ये सब मेरा ही है। देख तू ना कासिद की बात मान ले, कासिद ना बड़ा कमीना है, है? वो ना तेरे भाई के छोटे छोटे टुकड़े करके ना मोहल्ले में गाड़ देगा, ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगी, जिंदगी गुजर जाएगी। और किस लिए? एक लौंडे के पीछे। चल मैं तुझे उस लौंडे की कहानी सुनाती हूँ। उस लौंडे की जो अम्मा है ना, नफरत करती है तुझसे, और छोटी मोटी नफरत भी नहीं करती, वो तो चाहती है कि मैं तुझे जहर दे दूँ। हाँ हाँ सही बता रही हूँ, उसने तो मुझे कहा कि रात को सोते हुए ना तेरे गले पे छुरी चला दूं। पर देख मैं तो तेरी माँ जैसी हूं ना, ऐसे तो नहीं कर सकती। तो मैंने तो सीधा सीधा हल निकाल लिया कि भाई तेरी कासिद से शादी करा दूं, तू आराम से इसी घर में रह, तुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है, अपने भाई के साथ जिंदगी गुजार, है ना। पर तू तो मेरी बात ही नहीं मान रही। देख अभी भी वक्त है चंदा, बात मान ले मेरे बेटे, कासिद बहुत बुरा आदमी है, खाम खाई में मार देगा तेरे भाई को, मेरी भी जिंदगी हराम करेगा, है क्या फायदा होगा। चल भूल जाओ उस लौंडे को और कासिद को अपना ले, है? आ जा भाई आ जा। चल आंसू पूछ ले, तैयार हो जा। कैसा लग रहा हूँ? वाह माशाल्लाह माँ सद के इतना प्यारा लग रहा है, है ना? मेरा लग रहा हूँ कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्रोग्राम है मैडम का? बस मान गई है। हाँ मैडम यार है ना, है? हाँ 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 लग रहा था यार। हेलो हाँ के ना, हाँ के ना, लगता है टाइम नहीं है इसके पास। ला अब इसको डल्ला, ऐसे नहीं मानेंगे। बच्चा बहुत प्यारा है तुझे, शान से ज्यादा प्यारा है। अब बता इसको क्या करना है, शादी करती है कि नहीं, करती है कि नहीं? हाँ बोल ना, बोल दे बोल। उठ गए तेरे दो खाला, इसको जाओ इसको तैयार करो और हार शार बनाओ, सारे फेंके हैं इसने मुझे। हाँ खाते जा। काजी को ले गया, मानती क्यों नहीं है, चल उठ। कहती हूँ देख वो मार देगा, उठ। एक तो जब आप ही को फोन करो ना, इसका फोन या तो बंद होता है या तो साइलेंट पर होता है, फोन उठाओ यार, इतना रश क्यों है फराज, हमें ऐसे तो यहाँ पे रात हो जाएगी। ये एक्चुअली प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसलिए ट्रैफिक जाम है, और तुम परेशान मत हो, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, और वैसे भी पुलिस को तो क्लू मिल चुका है, हमने जो करना था हमने कर दिया, अब बाकी कार्रवाई तो पुलिस की है।
मुमना इब्रार दोस्तर इब्रार हुसैन आपका निकाह कासद शफीक के साथ मुबलक 50,000 रुपए हक मेहर के इवज इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? ये सब क्या हो रहा है? अरहम, तुम शादी कर रही हो? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? अरहम, ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं। इन्होंने मुझे धमकी दी कि वो समी को मार देंगे। अरहम प्लीज, अरहम समी को बचा ले। अरे बंद करो ये नाटक है। पहले तो जब मैंने कहा कि कासिद से शादी करो तो फौरन हामी भर ली खुशी खुशी, और अब जैसे ये सामने आया तो ये नाटक शुरू कर दिया। अरे खाला ये क्या लड़की है? वो आप तो कह रही थी बड़ी बोली बाली सी है, ये तो इतनी चालबाज निकली। अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं कसम खा के कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी को मार देंगे, प्लीज अरब सभी को बचा लीजिए। अरे अरे झूठ बोल रही है, हम क्यों भला बच्चे को मारेंगे? खुद बताओ क्यों मारेंगे हम? अच्छा हम लोग बैठ कर आराम से बात करते हैं, तुम लाओ सभी को मुझे दे दो। अगर इसने तुमसे शादी का वादा किया ना, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ मैं तुम्हारी शादी इससे करवाऊंगा। अरे हम तुम चुप करो यार, ये हुई ना बात यार, तुम तो अपनी बिरादरी के निकले हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी बिरादरी का नहीं हूँ, हमारा मिशन भी एक है, मोमना की शादी। लाओ समय को मुझे दे दो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे ये बताओ शादी अभी करनी है या धूमधाम से? ओ, अभी तो मैंने सिर्फ निकाह करना है, शादी बाद धूमधाम से होती रही। ये हुई ना बात। अरहम भाई आप यहाँ कैसे हो और ये सब क्या हो रहा है? भाई भाई पुलिस आ गई है। ये सब तुमने करवाया ना, तू है इन सबके पीछे। समी देख लूंगा तुझे मैं। समी बात तक आए रुक। पकड़े उसको, पकड़े, भाग भागने ना पाए, पकड़े इसको। अरे मुझे तो छोड़ दो, मैंने क्या किया है? चलो आज नहीं जोर से पकड़ा भाई, जिसने किया था वो तो भाग गया, उसको पकड़ो ना। उसे भी पकड़ लेंगे, वो कहाँ जाएगा भाग कर। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने क्या किया? आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पुलिस कासिद को अरेस्ट कर लेगी, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन शुक्र है खुदा का कि आप दोनों को कुछ नहीं। वाकई अगर पुलिस वक्त पर ना आती तो वो समय को मार देता। शुक्र है खुदा का कि उमना, जो लोग दिल के करीब होते हैं जब उनको दिल से दूर किया जाता है तो जिंदगी इतनी ही मुश्किल हो जाती है। क्या बात है, खैरियत है? पापा मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। बात क्या है, साफ साफ बात करो, पहेलियां मत बुझवाओ। तुम्हें सब धोखा? जी मैं अबरार अंकल के घर पे हूँ। अबरार के घर? मेरी पूरी बात सुन ले एक दफा आप प्लीज, उसके बाद आप जो डिसीजन लेंगे मैं वो कबूल कर लूंगा। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा आपको सिर्फ मेरा साथ देना है, सिर्फ मेरा साथ। अरहम मुझे पूरी बात बताओ, वहां सब खैरियत तो है ना?
मैं आपसे नाराज हूं। आपने भी हमें अकेला छोड़ दिया। मैं तो बहुत पहले तुम्हारे पास आना चाहता था बेटा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे पास कोई ऐसे लफ्ज नहीं थे कि जिनसे मैं तुम्हारे जख्मों को मरहम रख सकता। मुझे लगता था कि मैं यहां आऊंगा तो तुम और ज्यादा दुख में मुब्तला हो जाओगी। बस ये सोच के मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें अकेला छोड़कर चले गए। आसरा, ना कुछ कहा ना कुछ सुना। वैसा ही था बेटा, दिल के दिल में रखने वाला। मैंने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसके इंतहाई मुश्किल वक्त में उसे अकेला छोड़ दिया। काश मैंने एक अच्छा दोस्त होने का हक अदा किया होता, लेकिन मैं उससे माफी मांगू भी तो कैसे। बेटा तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। अंकल प्लीज, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी तो गलती भी नहीं, आपने हमेशा दोस्ती का हक अदा करने की पूरी कोशिश की है। शायद मेरे ही बाबा के नसीब ऐसे थे कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उन्हें कंधा देने के लिए उनका कोई भी अपना उनके पास नहीं था। अंकल आप क्यों खुद को और मुझे आजमाइश में डाल रहे हैं? अगर ऐसा कुछ होना होता तो अम्मी और बाबा की जिंदगी में ही हो जाता। बेटा तुम देखते नहीं हो किस तरह कुदरत तुम दोनों को एक दूसरे के सामने ले आती। अब आज ही की बात देख लो, क्या ये कुदरत की तरफ से तुम्हें कोई इशारा नहीं? अंकल मैं आपकी और बाबा की खुशी में खुश हूं। मेरे पास समी है, उसकी जिंदगी, उसका फ्यूचर। बल्कि मैं तो अब सिर्फ अबीर की शादी के बारे में सोच रही हूँ। बेटा अबीर की शादी और समी का फ्यूचर ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं हूं ना इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। और देखो बेटा, अबरार अगर आज जिंदा होता तो उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी और अरहम की शादी थी। उसने बहुत मान से तुम लोगों का रिश्ता जोड़ा था, जिसे हमारी बेवकूफियों ने खराब करके रख दिया। अंकल अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, वक्त निकल चुका है। बेटा अगर अबरार तुमसे ये ख्वाहिश करता तो क्या तुम उसे इनकार कर देते? देखो मैं अबरार तो नहीं हूं, लेकिन मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी करके अपनी कोताही का कफारा अदा करना चाहता हूं। और याद रखो बेटा, अगर ये वक्त निकल गया तो हम दोनों की जिंदगी में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। अंकल प्लीज, मुझे क्यों शर्मसार करें? मैं अम्तुल आंटी को कैसे फेस करूंगी? मुझ पर भरोसा रखो बेटा, मैं जानता हूं कि आने वाला वक्त इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों मिलके इस मुश्किल को फेस कर लेंगे और तुम्हारी आंटी को भी। ट्रस्ट मी। आप ही क्या कर रही हो? हो गया आप ही बस ये लो। क्या मेरी जान निकली हुई है और तुम्हों की तुम्हें तैयारियों की पड़ी है? भाई अरहम भाई ने पहली दफा अपनी जिंदगी में कोई मर्दों वाला काम किया तो इसका इनाम तुमको मिलना चाहिए ना। ये ऐसे रखो तुम ना। ये ऐसे
माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। ऊपर देखो, हंसती रहना, शर्माना नहीं ज्यादा। बहुत खुश हूँ, जिंदगी इंसान को एक बार मिलती और इस एक ही जिंदगी में उसको वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो उसका दिल कहता है। ठीक कहते हो यार, लेकिन अगर पापा मेरा साथ ना देते ना, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ पापा की वजह से ही हो रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए बेताब हो रहा हूं। राधे, आपको इससे भी मजाक सोच रहा है? कम ऑन यार मोमिना, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं तुमसे अपने दिल की बात कहता हूं, तुम्हें लगता है कि मजाक सोच रहा है मुझे? जिंदगी में इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती है। कभी कभी इंसान को अपनी खुशी के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप मेरी जगह होते ना, फिर आपसे पूछती। यू नो, मैं आज तक अपनी सारी लाइफ या तो तुम्हारे हिसाब से या मामा के हिसाब से गुजारता है। देखो, आज फर्स्ट टाइम खुद से डिसीजन लिया, तो पापा भी हमारे साथ हैं। और फिजा, क्या आपने उसे बताया है कि इस वक्त आप कहाँ हैं? नहीं, अभी तो नहीं बताया, लेकिन निकाह के बाद सबसे पहली कॉल मैं उसी को करूंगा। मोमिना, मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला, इट्स जस्ट मामा की मर्जी थी, इसलिए बस वो चाहती थी कि मेरी उससे शादी हो जाए। और अब उनकी मर्जी के बगैर। वैसे मोमिना, मैं खुशी के इस पल में किसी का जिक्र नहीं करना चाहता। या मैं हूं, तुम हो, और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मैं बताती हूँ ना मसला क्या है। बहन देखो, देखो तो मेरी बात सुनो ना। अल्लाह की कसम, ऐसी क्वालिफाइड नर्स हूँ मैं तुझे बता ही सकती। बड़ी शिफा दी अल्लाह ने मेरे हाथ में है। कोई बीमारी हो, मैं ऐसे झटपट ठीक कर देती हूँ बंदे को। देख, मैं तेरे काम आऊंगी, तू कितनी खूबसूरत है, मेरे काम करेगी ना? फोन ला दे ना, नहीं लगाऊंगी तुझे यार। फोन ला दे, दिमाग खराब हो गया तेरा, फोन ला दूं तुझे? बहन नहीं मेरी, फोन ला देना, एक एक फोन कॉल करनी। देख देख, औरत की औरत के काम आती है। देख, मैं तेरा हर काम करूंगी जो तू बोलेगी। लेकिन मैं सही बता रही हूँ, तू अगर मुझे फोन ला देगी ना, तो सिर्फ मैं ही कासिद को ढूंढ के तेरे पास ला सकती हूँ।
ये क्या तमाशा है? कहां से आ रहे हैं आप लोग? और ये तीनों मेरे घर में क्या कर रहे हैं? और मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन तुम्हें भी हर दो चार रोज के बाद बेइज्जती के डोजेस चाहिए होते हैं। मामा, हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। मुझे आपका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर हम बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बच्चे उस घर में सेफ नहीं थे, इसलिए मैं यहां ले आया हूं। अब मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं कि मैं अपने दोस्त की अमानतों की हिफाजत ना कर सकूं। क्या हो गया अफान, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शहर में बेशुमार यतीम खाने हैं, वहां छोड़ाते हैं इन्हें। मेरा घर कोई दारुल अमान नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर भी है। और अगर तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ रह सकते हैं तो ये बच्चे भी यहाँ रह सकते हैं हमेशा। अफान, आप मेरे साथ इस तरह का खेल खेलेंगे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, फजूल बातें मत करो, जाओ जाके आराम करो। चलो बच्चों, तुम भी आराम करो। आप ही तो आओ, गेस्ट रूम नीचे मैं दिखाता हूँ। तुम रहो तुम इन यतीमों के साथ इस घर में अब, लेकिन मैं एक पल भी इस घर में अब नहीं रहूंगी। चलो फिजा, तुम मेरे साथ चल रही हो। आंटी क्या हो गया, आप रिलैक्स करें। आप क्यों अंकल से लड़ी है या अपना घर छोड़ के जाएंगी? अंकल ने तो इन लोगों को सिर्फ शेल्टर दिया है ना अंकल? कौन सा कोई अरहम मोमिना से शादी करने लगा है? राइट मोमिना, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैंने तो सुना है कि तुम काफी खुददार और समझदार किस्म की लड़की हो। तुम तो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से अंकल आंटी के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम हो। चलो। देखो मोमिना, तुम्हारी और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। एक बात सुनी थी तुम्हारे बारे में कि मुझसे पहले अरहम की मंगनी तुमसे हुई थी, बट आई डोंट केयर यू नो, क्योंकि वो एंगेजमेंट तो टूट गई। और तुम अरहम का माजी हो बस, जबकि मैं अरहम का आज और अरहम का कल हूं। एक बात जरूर समझाऊंगी तुम्हें, तुमने इस घर में आने की हमाकत तो कर ली है, लेकिन कुछ भी ऐसा करने का मत सोचना जिसकी वजह से इस घर की बुनियादें हिलें। आंटी को तो तुम जानती हो, बहुत गुस्सा आता है यार उन्हें, और गुस्से में ना वो थोड़ी सी पागल भी हो जाती हैं। मोमिना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से आंटी खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले। या फिर हमको मैं आंटी को इतना तो नहीं जानती, लेकिन हाँ अंकल की बहुत इज्जत करती हूँ। बिल्कुल अपने बाबा की तरह, उनको इनकार नहीं कर सकती मैं। उनकी खुशी इसी में है कि मैं, अबीर और समी यहीं पर रहे। कब तक ये तो मैं नहीं जानती। अरे तुम तो बड़ी मासूम हो यार।
लेकिन मेरे सामने अपना ये मासूमियत का ड्रामा मत करो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें क्या समझाने और क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम समझ जाओ, क्योंकि जिन अंकल की तुम बात कर रही हो ना यार, उनकी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन मेरी आंटी, मेरी आंटी के इशारे के बगैर ना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। मगर कुछ लोग होते हैं तुम्हारी तरह, अगर तुम किसी बेसहारा दीवार का सहारा लेना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। अपनों का सहारा लेने से कोई कमजोर नहीं हो जाता। जब किसी चीज से डर नहीं लगता, तुम फिक्र मत करो, मैं अंकल और आंटी के बीच में नहीं आऊंगी।